दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो शिव भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल किनारे पर बसे इस मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। कई प्राकृतिक आपदाओं, आक्रमणों और बदलावों को देख चुका यह मंदिर आज भी अपने मूल रूप में बना हुआ है। बिनवा नदी के तट पर स्थित ये मंदिर अपने चारों ओर के प्राकृतिक दृश्यों की वजह से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर दिशा में बर्फ से ढकी पीर पंजाल की चोटियां और नीचे धौलाधार की हरियाली इस सुंदरता को और बढ़ा देती है। पुरातत्व शास्त्री कनिंघम के अनुसार इस मंदिर की स्थापना शक संबत 726 में हुई थी। बैजनाथ मंदिर वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। यह मंदिर 51 फुट लंबा तथा 31 फुट चौड़ा है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर अलंकृत मूर्ति शिल्प अपने आप में अद्भुत है। वर्तमान मंदिर में लगे दो शिलालेखों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मयूख और अहुक नाम के दो व्यापारी भाइयों ने 9वीं शताब्दी में बनाया था। इस मंदिर का संबंध लंकापति रावण तथा पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग वही है जिसे लंकापति रावण भगवान भोलेनाथ से एक वरदान के रूप में लंका ले जा रहा था, लेकिन एक शर्त के पूरा ना कर पाने के कारण यह शिवलिंग यहीं स्थापित हो गई थी। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने भी इस स्थान पर मंदिर की स्थापना की थी। प्राचीन काल में यहां एक दुर्लभ नगर और तारा शिवालय का वर्णन जलंधर पीठ महात्म्य तथा नीलतंत्र आदि पुस्तकों में भी आया है। बैजनाथ मंदिर में गहरा शोध करने वाले प्रसिद्ध लेखक पंडित चुनीलाल शर्मा ने भी अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि यहां पहले एक बड़ा नगर तथा एक विशाल मंदिर था और उसे शायद उस समय पांडवों ने ही बनवाया था। यहीं से चीनी तुर्कस्तान से हस्तिनापुर मार्ग भी था और नगर के एक कोने पर सेना की छावनी भी थी जिसे अब गणखेतर कहा जाता है। यहां अब भी माना जाता है कि मंदिर के पश्चिम में अप्रवाहित होने वाली बिनवा नदी कभी मंदिर के पूर्व में थी। उस समय शायद कोई बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा आई थी जिससे यह नगर व पांडवों द्वारा बनाया गया मंदिर ध्वस्त हो गया था। आज भी मंदिर के पूर्वी भाग में महाकाल तक कई बड़े पत्थर व चट्टाने मिलती हैं। उसके बाद 9वीं शताब्दी में यहाँ फिर भव्य मंदिर बनाया गया था। मंदिर भले ही यहाँ नया हो मगर इसमें स्थापित शिवलिंग बेहद प्राचीन है। आइए अब हम आपको इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग काफी गहरी है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार मंडी के किसी राजा ने इसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन काफी खुदाई के बाद भी इसका अंत नहीं मिल पाया था। उल्टा खुदाई में लगे मजदूरों को इसके अंदर से निकली अजीब सी मधुमक्खियों ने आक्रमण कर घायल कर दिया था। इसके बाद अपनी गलती को स्वीकार करते हुए शिवलिंग पर मक्खन से श्रृंगार करवाया था। इसके बाद से हर साल यहां मकर संक्रांति के दिन 7 दिन तक इस शिवलिंग को कई क्विंटल मक्खन से ढक दिया जाता है। वर्ष 2005 में भी यहां प्राचीन जलहरी को बदलने का जब कार्य हुआ था तब भी इसकी खुदाई में नीचे तक कई जलहरियां सामने आई थी तथा कई प्राचीन सिक्के निकले थे। उस समय
नीचे कोई सिक्का गिराने पर उसकी काफी समय बाद आवाज आ रही थी। दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है, यहां एक भी सुनियार यानी ज्वेलर्स की दुकान नहीं होना। दोस्तों, बैजनाथ बाजार में कई सदियों से कोई सोने चांदी के कारोबारी की दुकान नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है कोई स्पष्ट नहीं बता पाता, मगर माना जाता है कि इसका संबंध कहीं ना कहीं लंकापति रावण से ही रहा है। बैजनाथ में 70 के दशक में 2-3 कारोबारियों ने दुकान खोलने का प्रयास किया, मगर दुकान शुरू होने के कुछ दिन बाद ही जल गई। जबकि बैजनाथ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बसे पपरोला बाजार में ऐसी कई दुकानें हैं। बैजनाथ में हुई इन घटनाओं के बाद किसी ने भी इस शहर में ज्वेलर की दुकान खोलने की हिम्मत नहीं की। ऐसा विश्वास किया जाता है कि लंकापति रावण ने यहां शिवलिंग स्थापित होने के कारण उनकी फिर से तपस्या की थी। रावण भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक थे। ऐसे में यहां कई सदियों से दशहरा नहीं मनाया जाता है। करीब 40 साल पहले कुछ लोगों ने बंद हुई इस परंपरा को शुरू करने का प्रयास किया था, मगर उनके परिवारों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, तो पुतले का दहन करने वाले कुछ लोगों की मौत हो गई थी। यह 2 ऐसे कारण हैं जो साफ बताते हैं कि लंकापति रावण का बैजनाथ से संबंध रहा है, क्योंकि मंदिर से कुछ दूरी पर बैजनाथ पपरोला के पैदल रास्ते पर आज भी एक मंदिर है जहां बने एक बड़े पांव के निशान को लंकापति रावण का माना जाता है। इस स्थान को तारा सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। इसमें शिव मंदिर बैजनाथ केंद्र बिंदु में है, जबकि एक त्रिभुज में 12 कोसों में मुकुटनाथ, पल्लिकेश्वर व महाकाल के मंदिर स्थापित हैं। जबकि बैजनाथ बाजार में भी सिद्धनाथ सहित कई शिवलिंग मौजूद हैं। बैजनाथ को पहले किरग्राम भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि यहां कभी किरात जाति के लोगों का शासन था। दोस्तों, बैजनाथ मंदिर वर्ष 1905 में यहां आए सबसे विनाशकारी भूकंप में भी बच गया था। मंदिर में उस समय बनाई गई कलाकृतियों को आज तक कोई कारीगर फिर से नहीं बना पाया है। इस मंदिर के ठीक सामने कभी शमशान भूमि हुआ करती थी। मंदिर के अंदर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आज भी कौतूहल का विषय बनी हुई हैं। यहां लगी भगवान गणेश की प्रतिमा के आसपास कई बार भूरे रंग के एक आकर्षक चूहे को देखा गया है। यह कहां से आता है और कहां चला जाता है कोई नहीं जानता। ऐसे ही राधा कृष्ण मंदिर के सामने एक दीवार में लगी भगवान शंकर व मां पार्वती की मूर्ति पर बने नाग की प्रतिमा के ऊपर भी कई बार एक छोटा नाग प्रकट होता है। मंदिर के पुश्तैनी पुजारी धर्मेंद्र शर्मा बताते हैं कि उनके दादा के पिता ने कई बार यह दावा किया था कि जब वह मंदिर को सुबह खोलने के लिए आते थे तो बाहर से ओम नमः शिवाय बोलते थे तो मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खुद खुल जाता था। इस मंदिर से जुड़े कई और रहस्य भी हैं जिन्हें हम आपको जल्दी ही बताएंगे। 1905 के भूकंप के बाद मंदिर को हुए कुछ आंशिक नुकसान से कई महत्वपूर्ण राज मंदिर से धूमिल हो गए हैं, मगर मंदिर अब भी अपने साथ जुड़े रहस्यों की गवाही देता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो
पसंद आई होगी। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।